मैं योगेश सिंह, प्रदेश महासचिव, राजपूत कर्णी सेना, झारखंड। आज से 3 महीना पहले इटखोरी के गांव खड़ौनी में चंदन सिंह, पिता सुनील सिंह की हत्या कर दी गई थी। 3 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के साइड से कोई कार्रवाई की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। आज 10 अप्रैल है। पीड़ित परिवार का भरोसा चतरा पुलिस से टूटता जा रहा है। चंदन सिंह उस घर का इकलौता चिराग था जिसको मार दिया गया, जिसकी हत्या कर दी गई। चतरा पुलिस से मैं अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जो लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो राजपूत करनी सेना रोड पे आएगी। नमस्ते। आज हम लोग खड़ौनी गांव में हैं, जहाँ पे आज से 3 महीना पूर्व एक युवा होनहार हम सबों के भाई चंदन सिंह जी की निर्ममता पूर्वक गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद भी इस पे शासन प्रशासन ने अभी तक कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं की है, और आज हम लोगों की मांग है कि उन्हें न्याय मिले। इसीलिए हम लोग श्री राजपूत करनी सेना के माध्यम से यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारे बीच में उनके पिताजी हैं श्री सुनील सिंह जी। वो उस घटना के बारे में कुछ बात रखना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उस दिन कैसे घटना घटित हुई थी। चाचा, सुबह शाम 6 बजे वो घर से निकला, बोल के गया, समीप करके ले लीजिए। बोला कि हम घर 8 साढ़े 8 बजे चले आएंगे। जी, इस दरमियान में जो है से हम तबीयत अस्वस्थ था, हम खा के सो गए। माँ उनकी जो है वही 10 साढ़े 10 बजे जो है से 5 बार 6 बार 4 बार वो कॉल की है। कॉल करने के बाद जो है से फुल रिंग हुआ, उठाया नहीं गया। जी, वो भी जो है से सो गए। सोने के बाद जो है से सुबह में देखते हैं कि यहाँ ताला मारा हुआ है। तुरंत जहाँ दुकान है, दुकान पर जो है से इदरीस मियाँ का दुकान है, वही मियाँ जी कहता है कि आपका चंदन वहाँ सोया हुआ है, और वहाँ वो उसका शव पड़ा हुआ था, मृतक शव पड़ा हुआ था। हम लोग उस हालात को देखते हुए जो है से, क्या मेरे साथ गुजर रहा था से तो सब कोई जानेगा जिनका बाल बच्चा है। आज तक जो हम पुलिस को स्टेटमेंट दिए, अपना FIR लिखी दिए हैं कि हमको फलाने फलाने पर शक है, यही लोग जो है से मर्डर करवाया है और किया है, यही लोगों के माध्यम से हुआ है, उस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है और ना कुछ हमको न्याय मिल रहा है। हमको न्याय चाहिए। पुलिस कहती है कि ये लोग नहीं किया है, तो जो नहीं वो लोग नहीं किया है तो कौन किया है, हमको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, इससे हमको बेसी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ न्याय मिलना चाहिए। मेरा एक ही लड़का था, हमको न्याय मिलना चाहिए। जी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि आज जिस दिन की घटना है उस दिन सुबह से ही चंदन जी घर से बाहर थे, और रात्रि में उन्हें बहुत फ़ोन किया गया, उसके बावजूद भी वो फ़ोन कॉल को उठाया नहीं। और जब सुबह में जानकारी हुई तो उन्होंने जा कर के देखा तो घर के कुछ ही दूरी पर उनका शव पड़ा हुआ था। और हम लोग श्री राजपूत करनी सेना के माध्यम से प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके इन्हें न्याय मिले। आज हम लोग को जानकारी हुई है, तत्पश्चात हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर ये न्याय में कोई भी कोताही अगर प्रशासन करती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिला करके रहेंगे। ये न्याय इसलिए भी आवश्यक है ताकि ऐसा कोई दोबारा कोई चंदन नहीं बने। ये मांग हमारी है श्री राजपूत करनी सेना की। अगर इसे अगर आप हल्के में लेते हैं, शासन प्रशासन से हमारी मांग है, अगर हल्के में लेते हैं तो आज जो मधुबनी में जो घटना घटित होने के बाद श्री राजपूत करनी सेना जो आंदोलन खड़ा किया है, इसे पूरा भारतवर्ष अनभिज्ञ नहीं है। हम लोग भी बड़ा आंदोलन करेंगे और भाई चंदन जी को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद।